आज हम जा रहे हैं हाल सिटी पे, वहाँ पे है डीप यूके का सबसे बड़ा एक्वेरियम है। तो मेरा कहना है कि बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे और हमारे साथ साथ आप लोग भी एंजॉय करेंगे। हम ऑलरेडी स्टेशन पे आ चुके हैं, 5 मिनट्स में ट्रेन भी आ जाएगा, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे हाल सिटी यहाँ का कैसा है, डीप एक्वेरियम कैसा है, आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। सिटी पे अभी हम जाएंगे दीप की तरफ, जो मैंने बोला था ना यूके का सबसे बड़ा एक्वेरियम है, उसी तरफ हम जाएंगे। हमने गूगल मैप भी ऑन कर लिया है, तो चलते हैं। देख रहे हैं पीछे है डीप, हम पहुंच गए हैं, अभी हम अंदर जाएंगे। हम डीप के अंदर एंट्री कर चुके हैं, यहाँ पे मैं ज्यादा जोर से बात नहीं कर पा रही हूँ, आप बस हमारे साथ देखते रहिए। कैसे बताएं, अब खुद ही देखो, अंडर वाटर का इतना सारा फिश इतने करीब है। अभी हम थोड़ी देर के लिए फिश के एरिया से निकल के पेंगुइन के एरिया में आ गए हैं। आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे क्यूट पेंगुइन आजू बाजू में घूम रहा है। बताने लायक है ही नहीं, अब बस देखो इसको, फील करो। अभी हम इस डीप के ही एक कैफे में बैठे हैं, यहाँ पे कुछ खा रहे हैं, इसके बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे। और ये कैफे एकदम वाटर बॉडी के पास ही है, तो बहुत सुंदर लग रहा है। इसके बाद हम हाल शहर को और थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे।
अभी हम दीप के बाहर आ चुके हैं, पूरी एक्वा लाइफ हमने एंजॉय किया। अभी यहाँ से हम जाते हैं हाल सिटी को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। जिस एरिया से गुजर रहे हैं यहाँ का बंगलों बहुत ही सुंदर है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी थोड़ा सा शेयर कर लूं। बच्चों को लेकर ट्रैवल करना इतना इजी बात नहीं है, शायद डे ट्रिप हो या फिर लॉन्ग वैकेशन हो। आप देख सकते हैं कि हम फिर से रेस्ट ले रहे हैं और यहाँ पे आनंदी भी फिर से सो गई है और अरिंजय को भी अभी भूख लग रहा है, तो नेक्स्ट मैं अरिंजय को अभी नूडल्स खिला रही हूँ। बहुत कुछ अरेंजमेंट करके घर से निकलना पड़ता है और बीच बीच में रुकना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है अरिंजय के लिए कि वो हमारे साथ इतना वर्क करे। फिर भी वो बहुत कोऑपरेट करते हैं हमारे साथ, तो बच्चों को लेके ये बहुत सारे अरेंजमेंट लेके और बहुत सारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करके ही घूमना पड़ता है। अभी हम यहाँ का ओल्ड सिटी घूम रहे हैं जो एकदम 80s के ज़माने का है। गोइंग टू होम, बाय फॉर द डे, फिर मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो पे।